नवीनू तू क्यों लीका लाया जेड़ा सानू सैयद सदे तो सामने सताइया बनया जब देखिए तो मेरे दुआएं करे थे कि अल्लाह करे एंड तक ईमान को फवाद से जो कैरेक्टर है उससे प्यार हो जाए. इतना क्यूट कपल लग रहा था साथ में. इन्हें क्या एंड में इसको थोड़ा सा तर्स आ जाए, थोड़ा सा कह के चलो ठीक है अब तो मतलब आधी फैमिली लाइफ शुरू हो गई है तो जरा कंप्लीट. ये तो बुराई की जीत है. ये तो ना रहा हमेशा औरत बेचारी जाके लेकिन सारे कॉम्प्रोमाइजेस हीरो गोरी के पास लग रहे थे साथ. हाँ हीरो हीरोइन इतने अच्छे लग रहे थे साथ तो. अच्छा, लेकिन अब डिस्क्लोज ना करो ना. हाँ नहीं मैं नहीं बता रही सारी बातें, नहीं बता रही बस मैं वैसे बता रही हूँ मेरे जज्बात और वो लोग भी तो है जो फिल्म देख चुकी है उनके बारे में बात हो रही है. अच्छा फिल्म से थोड़ा सा और बल्कि रिलेटेड ही बात है. पिछले दिनों ईमान आपको एक इंडियन चैनल पर देखा था, लाइव शो चल रहा था और उसमें कुछ लग रहा था आपके ऊपर अटैक ज्यादा हो रहा है बजाय इसके कि आप इंटरव्यू दें. और कुछ उसमें कुछ स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे एंड दे वर मुस्लिम्स फ्रॉम इंडिया और लाइव आप भी बात कर रही थी और उसमें बहुत ज्यादा कुछ अटैक वाले जुमले चल रहे थे. स्पेशलिस्ट थे लेकिन हाँ वो कोशिश उनकी यही थी. और मजे की बात है जो जो क्रिटिक बैठे हुए थे वो उन्होंने शुरू यहाँ से की मैंने फिल्म तो नहीं देखी लेकिन लेकिन उन्होंने उसके अंदर जो दिखाया है कि पाकिस्तान मुसलमान औरत की अंग्रेज से शादी है वो ये जायज नहीं. मैंने कहा भाई प्लीज मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप शुरू यहाँ से करें कि मैंने फिल्म नहीं देखी तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी यू हैव एब्सोल्युटली नो राइट To say anything, first watch the movie and then maybe you can. और ये बिल्कुल out of the blue हुआ और मैं वहाँ इलाज कराने गई. उन्होंने कहा जी बस एक इंटरव्यू करना आपको. मैं चली गई वहाँ जाके देखा तो तीन डिफरेंट स्टेट्स में लोग बात कर रहे हैं फिल्म के ऊपर, डिबेट हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है और मुझे ऑब्वियसली यू नो आई फेल्ट कॉर्नर्ड. और एक बात है इंडियन की मैं मानूंगी कि वो अपने लोगों को बहुत आगे करते हैं कि अब ठीक है नसीरुद्दीन शाह बहुत बड़े एक्टर है, बहुत बड़े अच्छी फिल्म. सिर्फ वो एक कैरेक्टर नहीं थे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया लेकिन उसके अलावा भी बहुत बहुत अच्छे बहुत बड़े एक्टर है. लेकिन वो ये कहते रहे कि बस ये जो सीन देखा हमने नसीर साहब ने बहुत अच्छी बात की. वो बात नसीर साहब की नहीं थी, वो बात शायद मंसूर की थी. उन्होंने हमें बताया कि हमने क्या कहना है. हम अपनी तरफ से सोच के नहीं कह रहे चाहे वो अच्छी बात आपको लगे या बुरी बात लगे. सारा क्रेडिट जाता राइटर और डायरेक्टर को है, प्रोड्यूसर को है जिसकी इतनी हिम्मत हो सकी कि वो इन बातों को लिखे और आपके सामने लेके आए. उनकी इतनी हिम्मत ठीक है, जिसने कहा है उसकी भी हिम्मत की जरूरत है लेकिन सबसे ज्यादा हिम्मत उसकी है जिसने लिखा और उस आपसे कहलवाया और वो थिएटर तक उस बात को लेके आया. असल करेज तो उनका है. तो वो मुझे कुछ थोड़ा काफी कर मैंने उनको उधर ही क्लियर किया कि भैया ये ना कहें कि नसीर साहब ने बहुत अच्छी बात की, ये शेर मंसूर ने बहुत अच्छी बात की. जी तो क्रेडिट एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर से लेके आप सारा का सारा एक्टर को दे रहे हैं. नहीं मैंने देखा क्रिकेट मैच और अब इस फिल्म की रिलीज के बाद के थोड़ा सा वो लोग बाइस्ड हो जाते हैं और ऐसे होना ही चाहिए. और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यार कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो रहा है. Exactly. और बहुत सारे लोग के हमें सपोर्ट चाहिए. वी नीड सपोर्ट. आई वुड यू नो इतना भी नहीं, हमें चाहिए वाकई सपोर्ट. पहली फिल्म आ रही है, हम यू नो वो हमारा ग्लिट्स और ग्लैमर नहीं है. ऊपर से पहली फिल्म भी ऐसी नहीं कि ग्लिट्स और ग्लैमर है, जो है उसको अच्छी एंटरटेनमेंट की तरह. बड़े लोग इनकरेज हुए इसके बाद. अब इतनी फिल्में लोग सोचने लग गए हैं बनाने की, और कुछ फ्लोर पे जा भी चुकी हैं जो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स बना रहे हैं. और यही बात थी कि हमें डायरेक्टर्स अच्छे चाहिए थे क्योंकि जब डायरेक्टर अच्छी सोच के साथ आएगा वो ऑटोमेटिकली अच्छी प्रोडक्ट देगा आपको. अच्छा वी हैव अ कॉलर वेटिंग. अंजुम फ्रॉम शारजा, अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. कैसी अंजुम? ठीक है आप? ठीक हूँ. ईमान अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे हैं? ठीक ठाक. आपको देख के बहुत खुशी हो रही है. मैं 8 बजे से लगी हुई हूँ कॉल करने के लिए. अच्छा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि आपकी एक पिक्चर माशाल्लाह इतनी हिट हुई है और इंशाल्लाह होगी. वुड यू लाइक टू प्रेफर मॉडलिंग और एक्टिंग
और दूसरा ये कि एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब एक पिक्चर इतनी हिट हो जाती है तो एक्सपेक्ट करती है पब्लिक के सेकंड जो है वो भी या अपकमिंग जो है वो भी अच्छी हो. तो आपका मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला ये करे कि आप इतनी अच्छी फिल्मों में काम करें और इसी तरह हिट हो. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मॉडलिंग आप प्रेफर करेंगी या एक्टिंग करेंगी प्रेफर? और दूसरी जो आपने अपने उसकी बात की थी कि मेटेरियलिस्टिक दुनिया है और मैं वो, ये आपके नाम की और आपके ईमान की मजबूती है और अल्लाह ताला हर मुसलमान को ईमान की मजबूती दे. ईमान की मजबूती होती है तो इन चीजों की परवाह नहीं करता इंसान. दोनों की तरफ जा रहे हैं, ईमान और ईमान जैसी मजबूती. जी जी, ईमान जैसी मजबूती इनकी अपनी ईमान जैसी मजबूती है. जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू जी. अच्छा तो उन्होंने पूछा कि मैं प्रेफर करूंगी मॉडलिंग या एक्टिंग. हाँ क्या प्रेफर करते हैं? तो प्रेफर मैंने ऑलरेडी ब्रेक ले ली है मॉडलिंग से क्योंकि वो कर ली थी. देखेंगे नहीं एड्स में या फैशन शोज? नहीं एड्स तो करूंगी, एड्स करूंगी लेकिन बहुत ज्यादा फैशन शोज नहीं करूंगी. कुछ उसकी डिफरेंट बहुत सारी वजूहात हैं. उसमें से वजह ये भी है कि मैं थोड़ी विद टाइम आई हैव बिकम कंजर्वेटिव और हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा लिबरल हो गई है, ज्यादा मॉडर्न हो गई है. फॉर मी पहले इतनी नहीं थी मॉडर्न, अब दिन ब दिन ज्यादा मॉडर्न हो रही है. थोड़ा स्पेसिफाई करो कि किस किस्म के कपड़े आने लग गए हैं. थोड़ा क्लियर हमारे लोग जैसे कि जैसे जैसे अब यू नो दी इंडस्ट्री इज बिकमिंग बिगर. बात है कि वेस्टर्न मार्केट्स में भी हम कोशिश कर रहे हैं ना कि वी कैन गेट देयर. तो फेयर इनफ मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी और मैं डिजाइनर्स को बहुत प्रॉब्लम देने लगी थी कि नहीं इसको कैसे बनाओ, इसके नीचे टाइट्स भी दे दो, अच्छा ये भी करो, यहां से भी कवर कर दो, यहां से भी कर दो. तो वो मैं उनको उनकी क्रिएशन खराब कर देती थी या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था या उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता. तो कॉम्प्रोमाइज से बेहतर था कि मैं छुट्टी ले लेती. मतलब सर कभी कभी कर लिया, नहीं पहनूंगी ये बहुत रिवीलिंग है, ये बहुत एक्सपोज कर रहा है, मैं नहीं पहनूंगी. कभी कभी कर लिया जब, और वो अब पता होगा उन्हें कि देखो इतना कर सकती हूँ मैं, इतना नहीं कर सकती. उसके लिहाज से जो शूट है उसके लिहाज से जो कपड़े हैं तो फिर तो ठीक है, वो सब मेरे दोस्त हैं लेकिन उनका काम है, उनको तो करना है ना. मैं उनकी क्रिएशंस खराब नहीं करना चाहती. तो मेरा मैं उसके लिए अपने प्रिंसिपल्स भी अब चेंज नहीं. जो देखो जो आपकी समझ 16 साल की उम्र में होती है, 18 साल की उम्र में होती है, वो 26 साल की उम्र में नहीं रहती. तो अब आई अंडरस्टैंड थिंग्स अ लिटिल बेटर. मैं ये नहीं कहूंगी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही. उस समझ के साथ साथ यू चेंजिंग. एक्जैक्टली, वी मस्ट इवॉल्व. लाइफस्टाइल चेंज कर रही है और अपनी डिसीजन चेंज कर रहे हैं. जरूरी नहीं कि आप एक ही डिसीजन के साथ चलते रहे. जब आप लगे कि नहीं यार ये मैं सही नहीं कर रही, यू शुड ऑलवेज मेक चेंजेस. अच्छा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. यू वॉचिंग गुड मॉर्निंग जी. हम मजे सिंह